ओके okay, तो अब बात कर लेते हैं अबाउट दी मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट ड्रग्स डेफिनेटली इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो हाउ डू डिफरेंट एंटी थायर ड्रग्स एक्ट हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पढ़ चुके हैं जो थोड़ी डिटेल्स हैं वो पढ़ लेते हैं तो थायोमाइड्स आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एंटी ड्रग्स और तो इसमें एग्जाम्पल्स में मिथेमाजोल आती है और प्रोपाइल यूरेसल आती है मिथेमाजोल जिसको एम टी जी भी कहते हैं प्रोपाइल यूरेसल जिसको पीटी यू भी कहते हैं अब हम पीछे इन द प्रोडक्शन ऑफ थायर हार्मोन हम इनकी एक्शन पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि वन ऑफ द एक्शन दे ब्लॉक द ब्लॉक दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें जो आयोडीन आयोडाइड आया था वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा था तो उसको ब्लॉक करते हैं सेकंड जो सबसिक्वेंट स्टेप है दैट इज

Uh, हम ही कहते हैं कि थायोमायरस की एक्टिविटी स्लो होती है क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मड हार्मोन की रिलीज़ uh, को इनहिबिट नहीं करते ये जस्ट न्यू हार्मोन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं तो ये सबसिक्वेंट uh, तीन स्टेप्स को इनहिबिट कर रहे हैं केपर ऑक्सीडेज के एर्टिलाइज ऑक्सीडेशन रिएक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं और ऑर्गेफिकेशन uh, के स्टेप को इनहिबिट करते हैं कर रहे हैं और अपने कपलिंग के स्टेप को इनहिबिट कर रहे हैं तो ये सबसिक्वेंट तीन स्टेप्स हो गए इसके अलावा पैरफिल कन्वर्जन को भी मोर सो पी टी यू इनहबिट करें तो ये थायोमायर्ड का मोडोफेक्शन देखते हैं हमने फिर हम कहते हैं आयोडाइड सॉल्ट्स जो हैं या आयोडीन जो हैं जिसमें लुगोल सोल्यूशन आता है इसके अलावा कॉन्सनट्रटेड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आता है दीज आर सिंपली आयोडाइड आयोडाइड आयंस ठीक है इन द सॉल्यूशन फॉर्म और वन गिवन दे इनहिबिट द आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन जिसको हम ऑर्गेनिफिकेशन का स्टेप कहते हैं ये जो सॉल्यूशंस uh, हैं, ये किस लेवल रहे हैं, तो एक तो ये आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू, उसको कर रहे करें इसको मोर्गानिफिकेशन का स्टेप कह रहे थे इसके लिए थायर होम, इसके अलावा ये थायर हार्मोन के रिलीज को कर रहे करें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रीफॉर्म्ड हार्मोन है उसके रिलीज को भी इनहिबिट करते हैं तो ये यू कैन से स्टेप टू और स्टेप फोर को इन्हबिट कर रहे हैं कि एक तो ऑर्गेफिकेशन ही होने देंगे कपलिंग में इनका तो लेन देन नहीं है लेकिन ये उसको रिलीज को इनहिबिट करते हैं ठीक है इसके अलावा हम कहते हैं कि आयोडाइड सॉल्ट्स हैं या आयोडीन इट्स सेल्फ है वन इन सोल्यून फॉर्म लाइक लुगो सोल्यूशन है या पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन है इट कैन ऑल्सो इनहिबिट और इट कैन ऑल्सो डिक्रीज द साइज एंड वेस्कुलरिटी ऑफ हाइपर प्लास्टिक थायरो प्लान ठीक है उसको भी ये ब्लॉक करना चाहता दैट इज इसल्सो वेरी इफेक्टिव इसके अलावा हम कहते हैं कि जो थायोडाइड सॉल्ट्स है है, like है है, है? हैं है या आयोडी है इसका जो एक्शन होता है वो ट्रांजेंट होता है और सून विद इन फ्यू वीक्स द थायरोड प्लैंड एस्केप फ्राम द रैक्शन इसलिए हम इसको बहुत ही एक्यूट या ट्रांसियंट uh, स्टेट्स में यूज़ करते हैं हम इनको क्रॉनिक स्टेट्स ऑफ हाइपर थायरोडम में यूज नहीं करते आयोडिन और आर्डर्ड सॉल्ट को लाइक हमें थायरोड स्टोमम uh, हम आगे बढ़ेंगे उसमें उसको यूज़ करे होते हैं हाँ तो बात कर रहे थे रेडियो एक्टिव आयोडीन की ये तीसरा हमारे पास है एंटी थायरोड ड्रग तो हम कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी दे सकते हैं आयोडीन की इसमें आयोडीन 131 आता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इंपॉर्टेंट एक्शन ये होता है कि खुद को था ग्लैंड में कॉन्सनट्रेट कर लेता और वहां पे local, uh, कर है और वहाँ पर लोकल डैमेज कराता है थायरोक्सिन प्रोड्यूसिंग सेल्स का जिस वजह से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता तो इट इज़ टेकन अप एंड कॉन्सन्ट्रेटेड इन द ग्लैंड एंड इट हैज नो डेंजर टू सराउंडिंग टिश्यूज क्योंकि ये इस ग्लैंड में ही कॉन्सेंट्रेट हो रहा है ठीक है और उसका मोड ऑफ एक्शन भी यही है कि बस ये लोकल डैमेज करा रहा होता था थायराइड प्रोड्यूसिंग सेल्स का या फिर थायराइड हार्मोन का और इट कैन प्रोड्यूस परमानेंट क्योर ऑफ थायरोटॉक्सिक ऑसीसेस एज वेल विदाउट सर्जरी तो ये बहुत ही इफेक्टिव है राइट एंड शुड नॉट बी गिवन टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन बिकॉज़ ऑफ ऑफ कोर्स दDanger ऑफ टेराजनिसिटी अच्छा एन अनबिटर्स भी देते हैं मैंने आपको बताया थाने टाइम्स देते हैं और परकुलरे टाइम्स देते हैं दीजा आयन एन इनहेबिटर्स और इसका हमने फैक्शन भी देखा था दट दे ब्लॉक द इन अपटेक ऑफ आयोडाइट आय बाई थायरोन बाई कम्पेटेटिवली इन्हेबिटिंग दाइट ट्रांसपोर्टर्स को हमने कहा था सोडियम सिम्पोर्ट एन आई एस ठीक है अच्छा वो हमने बात कर ली अच्छा इसके अलावा जो परकुलर डेट आइन है दैट इज अ सेकेंड एन आइन इनहेबिटर इट कैन ऑल्सो कॉज ए प्लास्टिक इसलिए जो एन आइन हैं हम इनको इतना ज्यादा यूज नहीं करते एज अ एंटी थायर ड्रग ठीक है दैन द फिफ्थ इसमें हमारे पास आ जाता है एंटी थायरो ड्रग दट इज बीटा ब्लॉकर्स हमें बताया कि थायरटोसिकोसिस की एक निशानी ये भी है कि टकी कारिया हुआ था पेशेंट में एक्सर स्वेटिंग होती है कार्डिक का होती हैं तो बीटा ब्लॉर्स हम उसको भी टैकल करने के लिए देते हैं इसके अलावा जो प्रोपेनल ऑल है दट इज अदर बटा ब्लॉकर इट कैन ऑल्सो इनिबिट दल कन्वर्जन ऑफ टी फोर इंटू टी थ्री इन पेरेफ्री तो ये भी लो मतलब ग्रेटर डोजेज में लाइक डोजेस ग्रेटर दैन वन सिक्सटी मिलीग्राम पर डिसिलीटर उसमें ये ये रोल भी प्ले करता है तो बीटा ब्लॉकर भी इफेक्टिव है इसके अलावा कुछ और भी हमने कहा कि कंटेनिंग एंटी रिदमिक ड्रग है ठीक है, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया तो कैन इनहिबिट ऑफ़ T4 इनटू थ्री स्पेशली हम ये देखते हैं कि आ, इसका एक एक्शन ये है कि हाइपो और हाइपर थायरोडिजम भी कर सकती है तो इज़ अनदर एंटी ड्रग ठीक है आ, लेकिन आ, ये पैरफुल कन्वर्जन ब्लॉक करती तो ये एक वो उसे कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी जनरेट कर सकती है कि यहाँ पे इनहिबिशन हो रही तो आप हमें फ़र्दर उसकी और प्रोवाइड करें तो ये हाइपर और हाइपर दोनों कर सकती है इसके अलावा जो आइडोनेटेड रेडियो कंट्रास्ट मीडिया होते हैं जो हम कंट्रास्ट इन्हांस सी टी एम एर के लिए देते हैं आडोनेटेड होते हैं समटाइम्स उसमें आता है औरल डायो डाया ट्रीजोएट, ट्रीजोएट और आई वी आते हैं आई वी आयो हैगजोल आई वी आयो एंड औरल डायो सॉरी डाया 308 i do not i don't know how to pronounce it uh, so these radiocontrast media can also suppress the टी फोटो टी थ्री कन्वर्जन ऑफ आयोडीन सॉरी टी फोटो टी थी कन्वर्जन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन्स विदिन द लिवर किडनी एंड अदर टिश्यूज तो ये भी इंपॉर्टेंट uh, होते हैं तो हमने इस टाइम में कुछ छः सात एंटी थायरोड्रग्स देखी हैं थायरो हामायल्स हैं जिसमें हमने कहा कि मैथीमा आता है और प्रोपाल थायरिया से आता है वह तीन सब सिक्वेंट स्टेप्स और इसके अलावा पैराफिल कन्वर्जन को इहीबिट कर देते हैं ठीक है लेकिन स्लो मोड स्लोरफेक्शन होता है क्योंकि यह प्री फॉर्म आयोडीन के लिए इस इन्हिब नहीं करते इस अव आयोडाइड सोल्स और आरोडी लोगों सोलेशन पोटेशियम आयोडाइड कन्सेंट्रेट्रेड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जो कि इन्हेबिट कर करते हैं ऑर्डिनेशन स्टेप को ऑर्गेनिफिकेशन or स्टेप को और इसके रिलीज को इस लावे ये डिक्रीज करते हैं वैस्कुलैरिटी एंड साइज ऑफ द हाइपरप्लास्टिक थायरोइड ग्लैंड लेकिन इसका एक्शन क्या होता है ट्रांजेंट होता है जो थायराइड स्टॉर्म है मोस्टली इफेक्टिव होते हैं रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव आयोडीन आयोडीन 131 भी देते हैं जो कि इलेक्टिव वीमेन इन मदर में इतना uh, नहीं देना चाहिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं देना चाहिए और ये परमानेंट क्योर भी प्रोवाइड करता था, है थायरोटॉक्सिकोसिस का देना एनएन इनहिबिटर मैंने पर तो डेट की बात की और थायरोसैनिट की बात की और ये अडिन के ट्रांसपोर्टर को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर रहे थे ठीक है अच्छा लेकिन ये प्लास्टिक नियमिक एसोसिएटेड है परकुलटान इसलिए हम इसको सॉरी अवॉइड करते हैं बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं जो कि पैराफल कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है हायर हायरोजेज इसके अलावा ये उसके जो फीचर्स है उसको कंबैट करते हैं अदर ड्रग्स में हमारे आयोडोन है जो कि एंटीरेग पैराफल कन्वर्जन के लिए इफेक्टिव है और हाइपर हाइपरथायरिज्म कर सकती है आयोडिनेटेड कंपाउंड्स में रेडियो मीडिया है जिसमें औरल डायजोट है और आयोहिकोल है और ये भी कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं मोस्टली इन द लिवर किडनी एंड अदर टिश्यूज तो ये बात होगी मोटोफेक्शन ऑफ डिफरेंट एंटी थायर drugs.